जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी, वो माइक नहीं लगाया गया था इस वजह से। अच्छा तो बेटे, बात आज हम लोग कर रहे होंगे द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑफ ऑल इन सीएनएस एंड पीएनएस को, और फिर मोर ओवर हम लोग ये देखेंगे कि सीएनएस के कौन कौन से सेगमेंट हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। जब कभी मेरे बेटे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सीएनएस और पीएनएस के डिफरेंसेस की, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूं लिखूं कि व्हाट इज सी एन एस और पी एन एस, तो हम लोग ये बात सबसे पहले तो ये करना शुरू करते हैं बेटे कि सी एन एस के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और पी एन एस के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि सी एन एस के अंदर लोकेट करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ पे मैं सिंपल सा ये सवाल आपसे पूछूं कि बेटे रिफ्लेक्स सेक्शन को कौन कंट्रोल करता है, सीएनएस या पीएनएस, बेटे दोनों ही कंट्रोल करते हैं। यानी देखिए ना, हम लोग अगर ये बात करें कि आपके पास कोई मैसेज लाने और ले जाने वाली न्यूरॉन्स ना हो और आपके पास सिर्फ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड मौजूद हो, तो क्या हम यहाँ पर मैसेज को कंट्रोल कर सकेंगे? हमारे पास मैसेज एक्सेस करेगा सीएनएस तक? लाजमी बात है हमें पीएनएस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीएनएस के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, वो मैसेज को लेकर जाएंगी, राइट? और सीएनएस उसका डिसीजन करेगा, या वो स्पाइनल कॉर्ड करे, चाहे ब्रेन करे, क्रेनियल नर्व से हो या जो भी हो। तो बेटे हम लोग ये कह रहे होते हैं कि मैसेज को ले जाने वाली न्यूरॉन्स, वो सेंसरी न्यूरॉन, वो पीएनएस में पाई जाती है। जो मैसेज को वापस लाने वाली न्यूरॉन्स हैं, वो भी पीएनएस में पाई जाती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर ख्याल नहीं कर सकते कि आपके पास जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन्स हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही सब कुछ बगैर टेकिंग मैसेज और बगैर डिलीवरिंग मैसेज उसको कर सकते हैं। सो इस वजह से हम लोग एक बात बड़ी सिंपल सी यूं करते हैं कि अगर बेटे आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन्स को देखना शुरू करेंगे, तो हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि आपके पास यहाँ पर मौजूद न्यूरॉन्स यहाँ पर कौन सी न्यूरॉन्स मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं, जबकि पीएनएस के अंदर या तो सेंसरी न्यूरॉन होती हैं या मेरे बेटे यहां पर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, या यहां पे सेंसरी न्यूरॉन होती हैं या यहां पर मोटर न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि बेटे यहाँ पर आपके पास न्यूरॉन्स के साथ, यानी अब ऐसी बात नहीं है कि सीएनएस के अंदर सेंसरी न्यूरॉन नहीं होती हैं, उनके भी एंडिंग्स मौजूद हैं, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी मौजूद है, लेकिन मेजरली हम लोग जो न्यूरॉन ऑल टुगेदर आपके पास यहाँ पे मौजूद है उसकी बात करते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं बेटे कि जब कभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन से न्यूरोग्लायल सेल्स मौजूद हैं, न्यूरो ग्लायल सेल्स की बात करें, तो सीएनएस के अंदर पाए जाने वाले न्यूरो ग्लायल सेल्स मल्टीपल टाइप्स के हैं। जैसे हम बात पढ़ रहे होते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट्स की, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स की, इसके बिल्कुल पैरेलल सेल्स यहां पर मौजूद होते हैं शेवान सेल। इसी तरह से बेटे हम कहते हैं कि यहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के अलावा माइक्रो ग्लायल सेल्स भी होते हैं, उसके अलावा एस्ट्रो साइट्स भी मौजूद होते हैं जो सीएनएस में पाए जाते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर सीएनएस के अंदर एक और चीज यूं देखी जाए कि
क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज मौजूद हैं बेटे, वो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज जो आपके पास यहाँ पे लोकेट करती हैं, इन क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को हम यहाँ पे न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज की बात करें तो यहां पर मौजूद क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। यही क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज जब कभी आप पीएनएस में पढ़ोगे तो इनको हम लोग गैंग्लिया या गैंग्लियोन्स का नाम देंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटे यहां पर क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स मौजूद होते हैं या डेंड्राइट्स होते हैं, सॉरी क्लस्टर ऑफ एक्सॉन या डेंड्राइट्स हैं, तो ये क्लस्टर अगर आपके पास मौजूद होते हैं ना सीएनएस में, तो इन क्लस्टर्स को हम लोग ट्रैक्ट्स का नाम देते हैं, जबकि यही क्लस्टर अगर पीएनएस के अंदर मौजूद हो तो इनको हम लोग नर्व्स का नाम देते हैं। सो बेसिकली आज हम लोग बेटे स्टडी कर रहे होंगे सिर्फ सीएनएस को, और जब कभी हम लोग बेटे एक्सक्लूसिवली सिर्फ सीएनएस की बात करते हैं तो इसमें आपके पास दो कंपोनेंट हैं जो सीएनएस में पाए जाते हैं। एक आपके पास होगा ब्रेन, एक होगा ब्रेन और एक होगी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रॉ। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई दोनों के पास ट्रिपल लेयर ऑफ मेनिंजेस मौजूद है। अगर यहां पर हम मेनिंजेस की बात करें तो मेनिंजेस की थ्री लेयर्स यहां पर भी होती हैं, थ्री लेयर्स यहां पर भी हैं, थ्री लेयर्स यहां पर भी होती हैं। ये बेटे आपके पास जो थ्री लेयर्स ऑफ मेनिंजेस हैं ये किस तरह से लोकेट करती हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि बेटे ये जो यूजुअली थ्री लेयर्स पाई जाती हैं, दीज थ्री लेयर्स आर लाइक दिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस इज नेम्ड एज ड्यूरा मैटर, तो दूसरी वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग अरेक्नोइड मैटर का नाम देते हैं, और थर्ड पर आपके पास जो लेयर मौजूद होती है इसको हम लोग पाया मैटर का नाम देते हैं। तो ये याद करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा कि हम इसको डीएपी से याद करते हैं, डैप से याद करते हैं, या आप रिवर्स ऑर्डर में पैड से याद कर सकते हैं। सो ये सबसे पहले तो ड्यूरा मैटर है, द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, जिसको हम लोग ड्यूरा मैटर का नाम देते हैं, और ये टफ लेयर होती है सबसे बाहर वाले साइड पर जो पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपके पास जो लेयर लोकेट करती है उसको हम लोग अरेक्नोइड मैटर का नाम देते हैं, और अरेक्नोइड मैटर को हम लोग अरेक्नोइड मैटर क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि बेटे अरेक्नीडा ये स्पाइडर से निकला है। अगर आप इसके बने हुए स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ना आपको यूं लगता है जैसे कि स्पाइडर वेब बुना गया है। यहाँ पर इस तरह के कोलाजिन फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि यूं लगता है जैसे कि यहाँ पर स्पाइडर्स वेब की बुनती की गई है। मोरओवर उसने कहा कि आपके पास सबसे नीचे वाली साइड पे जो लेयर होती है इसको हम लोग पाया मैटर का नाम देते हैं। पाया का मतलब ऐसे डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, तो पाया मैटर आपके पास वो लेयर होती है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और एरेकनॉइड और पाया मैटर के पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जिसकी कंपोजिशन अप्रोक्सीमेटली ब्लड प्लाज्मा के नियर अबाउट है, लेकिन इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कंपैरेटिवली कम हुआ करती है।
हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास पाया मैटर के नीचे मेनली ब्रेन के गायराइज और सल्काइज स्टार्ट हो रहे होते हैं, यानी ब्रेन के अंदर आपको यूं डिप्रेशंस नज़र आएंगे, कुछ ये डीप डिप्रेशंस होंगे, कुछ सुपरफिशियल डिप्रेशंस नज़र आएंगे। वो डिप्रेशन जो आपके पास यहाँ पे बनते हैं ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। और ब्रेन की इंटेलिजेंस बेटे साइज के साथ नहीं बल्कि ब्रेन की इंटेलिजेंस मैटर करती है उसकी सरफेस एरिया के साथ। हम लोग ये कहते हैं कि ब्रेन आपके पास फॉर्म करता है यू सल साए और सल्कस, सिंगल की बात करें, और अगर कभी आप यहाँ पर बनने वाले इस उभार की बात करते हैं तो इसको हम लोग गायरस का नाम देते हैं, इसको हम गायरस का नाम देते हैं। और अगर आपको कोई डीप फिशर्स नजर आते हैं तो इनको हम लोग फिशर्स कहते हैं। ये फिशर्स होते हैं, जैसे आपको फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के दरमियान में फिशर मिलेगा, जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान में फिशर मिलेंगे, तो ये डीप डिप्रेशंस की सूरत में यहाँ पर मौजूद होते हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि ये तीन लेयर्स आपको ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अंदर नजर आती हैं। मजीद बात करना शुरू करें तो हम लोग ये देखते हैं कि बेटे आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से किसके पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। तो हम कहते हैं जी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड दोनों के पास है, क्योंकि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये वो फ्लूइड है जो सेरिब्रम में भी है और सेरिब्रम सेरिब्रल एरिया के अंदर भी है और स्पाइनल एरिया के अंदर भी है। या हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि बेटे स्पेसिस जो हैं वो ब्रेन में मौजूद होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती हैं, तो हम कहते हैं भाई ब्रेन के अंदर भी स्पेसिस हैं और ये फोर वेंट्रिकल्स हैं जिसमें से तीन वेंट्रिकल फोर ब्रेन वाली साइड पर और एक हाइंड ब्रेन वाली साइड पर पाया जाता है। सो ये फोर वेंट्रिकल्स आपके पास मौजूद हैं। मोर ओवर स्पाइनल कॉर्ड के पास होलो केनाल है, सेंट्रल होलो केनाल यहाँ पे पाई जाती है। ये वो स्पेसेस होती हैं जहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर लिम्फ फ्लूइड का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर लिम्फ एग्जिस्ट नहीं करती और यहाँ पर आपके पास सिलिएटेड सेल्स मौजूद होते हैं इन वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लो ऑफ लिम्फ को पॉसिबल बनाते हैं। हम लोग कहते हैं कि जी अगर आप इसकी प्रोटेक्शन की बात करोगे तो बेटे विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, हम एक बात ये पढ़ते हैं कि ब्रेन के पास प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम मौजूद है। ठीक उसी तरह से ये बात की जाती है जैसे हम ये कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड वर्टेब्रल कॉलम मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर आप ब्रेन को देखोगे तो बेटे ब्रेन का जो आउटर मैटर होगा वो ग्रे अपीयरेंस देगा, राइट? हाँ, और जब कभी हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर मैटर होगा वो ग्रे अपीयरेंस देगा, राइट? वो ग्रे अपीयरेंस देगा। ब्रेन का इनर मैटर वाइट और इनका आउटर मैटर वाइट हुआ करेगा। सो दिस इज हाउ हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मेजरली डिवाइड करते हैं। हम लोग बेटे डिटेल में कोशिश करेंगे कि ब्रेन को डिस्कस करें। जब कभी ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन को हम वेट के परस्पेक्टिव में देखें तो ब्रेन आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1200 टू 1400 के जी ग्राम में पाया जाएगा, ठीक है? हम कहते हैं कि जी ब्रेन का वेट जो है वो असल में मस्कुलरली तो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, जैसे एलिफेंट का ब्रेन बहुत बड़ा होता है, या हम कहते हैं कि जी किसी काओ का ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके बच्चे का दिमाग भी बड़ा होता है, इस वजह से वो पैदा होते ही अपने टांगों के ऊपर खड़े होते हैं। तो ब्रेन के बड़े होने से कुछ मस्कुलर स्ट्रॉन्ग होना तो रिलेट किया जा सकता है, लेकिन ब्रेन के ज्यादा बड़े होने से इंटेलिजेंस को रिलेट नहीं किया जा सकता। हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि ब्रेन आपके पास मेल के अंदर स्लाइटली बड़ा है एज कम्पेयर टू द फीमेल ब्रेन,
लेकिन इसका इंटेलिजेंस के साथ कोई रेलेवेंस नहीं बनती है। ब्रेन को यूजुअली हम लोग एनसेफलॉन कहते हैं, और ये आपके पास ब्रेन स्टेम के अलावा इट इज रिजाइडिंग ओवर अ बोन विच इज नेम्ड एज स्फीनॉइड बोन के ऊपर पड़ा है। हम ब्रेन को बेटे फंक्शनली क्लासिफाई करने के लिए इसको डिवाइड कर रहे होते हैं मेनली तीन सेक्शंस के अंदर। या तो ये आपके पास होगा फोर ब्रेन, या मेरे बेटे ये होगा मिड ब्रेन, या आपके पास होगा हाइंड ब्रेन। अगर हम लोग ये बात करें कि आपके पास मोस्ट डेवलप्ड और लार्जर पोर्शन कौन सा है, तो हम कहते हैं जी फोर ब्रेन असल में मोस्ट डेवलप्ड और लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ ब्रेन कंसिडर किया जाता है। कौन सा ब्रेन आपके पास रिड्यूस्ड फॉर्म में पाया जाता है, तो मिड ब्रेन ह्यूमन के अंदर रिड्यूस्ड ब्रेन है, और इन दोनों के दरमियान चूंकि कनेक्शन का काम करता है सो हम लोग इसको रिले सेंटर का नाम देते हैं। बेटे एक बात और याद रखिएगा कि जब कभी हम लोग रिले सेंटर्स की बात करते हैं तो रिले सेंटर बेसिकली आपके पास वो चीज है जो किसी आने वाली इंफॉर्मेशन को स्क्रीन आउट करते हैं और फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर एरिया के अंदर एलोकेट कर रहे होते हैं। सो द एलोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पर्टिकुलर एरिया वो रिले सेंटर का काम होता है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो आप सबसे पहले तो उसके मेन गेट से उसकी एमरजेंसी का पूछते हैं। जब कभी आप वहां पर जाते हैं तो आप वहां से एमरजेंसी के बाद जैसे इमरजेंसी के गेट पे पहुंचेंगे तो उसकी रिसेप्शन के पास जाएंगे, रिसेप्शन से फिर आप अपने रिस्पेक्टिव एरिया का वहां से पूछ रहे होंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब कभी ब्रेन के पास मैसेज आता है तो ब्रेन उस मैसेज को स्क्रीन आउट करता है कि हमने ब्रेन उस मैसेज को कौन से एरिया की तरफ एलोकेट करना, तो ये रिले सेंटर है। इसी तरीके से हम लोग कभी ये बात पढ़ रहे होते हैं कि जब कभी आप रिले की बात करते हो तो रिले एक रेस है जिसमें एक भागने वाला अपनी रेस को कंप्लीट करते हुए उसको दूसरे का उस स्टिक को दूसरे को पकड़ा देता है, वो दूसरा उसको लेकर तीसरे के पास चला जाता है और वो तीसरा चौथे तक पहुंचा देता है। तो यूं रिले एक और एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के दरमियान में एक कनेक्शन है, राइट। तो यहाँ पर आने वाली मैसेजेस को फोरब्रेन तक पहुंचाना ये रिले का काम होता है। मोर ओवर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जब कभी आप हाइंड ब्रेन की बात करते हो तो ये आपके पास मोस्टली इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और बहुत से इनवॉलेंट्री एक्शन जो आपके पास हाइंड ब्रेन से रेगुलेट हो रहे होते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जैसे आप ब्रेन को एनसेफलॉन कहते हो तो हम लोग फोर ब्रेन को चूंकि फ्रंटल पोर्शन है इसको हम लोग प्रोसेफलॉन का नाम देते हैं, आप मिड ब्रेन को मेसेनसेफलॉन का नाम देते हैं, और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफलॉन का नाम देते हैं। बेटे जब कभी आप फोर ब्रेन की बात करोगे तो फोर ब्रेन को फर्दर हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए वैसे तो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि हम इसको अंडरस्टैंडिंग यूं बना रहे होते हैं कि एक आपके पास टेलेनसेफलॉन होता है, एक डायनसेफलॉन होता है, लेकिन हम अपनी पीटीबी के अकॉर्डिंगली इसकी एक बड़ी सिंपल सी डिवीजन यूं करते हैं कि इसको हम लोग एल टी सी कंसिडर करते हैं। अब जब कभी आप एल टी सी की बात करते हो तो हम इसको याद रखने के लिए कह रहे होते हैं कि ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मगर बात असल में ये है कि ये आपके पास है लिम्बिक सिस्टम, ये आपके पास है थैलेमस, ये आपके पास है सेरिब्रम। ये लिम्बिक सिस्टम है, थैलेमस है और सेरिब्रम है।
जब कभी बेटे हम लोग इन तीनों में एक रिले सेंटर ढूंढते हैं तो आपके पास थैलेमस एक्ट करता है एज ए रिले सेंटर। ये एक रिले सेंटर का रोल प्ले करता है। यहां पर तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन थैलेमस तक पहुंचाई जाती है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि सिर्फ स्मेल के अलावा आपके पास तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन थैलेमस तक पहुंचती है। सो ऑल सेंसरी इन्फोस एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल के अलावा तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन थैलेमस तक जाती है और थैलेमस उसको एक पर्टिकुलर एरिया तक, यानी जब उसको लिम्बिक सिस्टम में जानी है तो लिम्बिक सिस्टम में, या सेरिब्रम में जानी है तो सेरिब्रम तक उसको एलोकेट कर देता है। Thank you.